सेट पेपर एनालिसिस में आज का टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम लेंगे। पेपर एनालिसिस का पहला पार्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है। इसको देखते हुए हम लोग ये रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। बताया जाता है कि हम लोग शुरुआत से 2008 से जो निमसेट शुरू हुआ है वहाँ से क्वेश्चंस उठा रहे हैं और 5 या जितने भी क्वेश्चंस 15 या 20 मिनट्स के वीडियो में आते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बारी बारी से आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे बाइनोमियल टॉपिक आज ले रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आए। देखा जाता है लगभग ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एक क्वेश्चन की है, तो अभी तक 7 या 8 क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोग उनमें से टॉप 5 क्वेश्चंस उठाएंगे आज और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2008 जैसे कि पहले हम लोग कर रहे हैं कि 2008 के सारे क्वेश्चंस डाले, फिर 2009, तो उन टॉपिक्स पे जो हमारा वेक्टर अभी अपलोड होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपलोड हुई थी तो 2008 में ही इतने क्वेश्चंस थे कि हम लोग पूरे वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस कर पाए। आज के टॉपिक में बाइनोमियल जो लिया गया है वो टोटल मिला के 7 या 8 क्वेश्चंस है, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ईयर वाइज रिस्ट्रिक्ट नहीं है, सारे यानी कि 2008 से लेकर 2017 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए लास्ट तक। बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक क्वेश्चन अगर आता है और एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रखता है इसलिए कि मैथ्स 12 नंबर की होती है तो इंपॉर्टेंस रखती है, तो बने रहिए। बाइनोमियल एक छोटा सा टॉपिक है और छोटा टॉपिक में टाइम वेस्ट नहीं होता है, लग जाएगा क्वेश्चंस तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया तो उनके लिए बेनिफिट था जो बाइनोमियल लगा के गए थे। बाइनोमियल थ्योरम का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको इत्मीनान से पढ़ लें। जब भी ये क्वेश्चन देखते हैं तो इतने बार मैं कर चुका हूँ डिस्कस, प्रिपरेशन के टाइम पर ही मुझे ये आंसर्स याद रहते थे। अब करते पास केवल ये कि 12 है यहाँ पर 24 कर देंगे या इसको यहाँ पर इसको ए अंतर ले जाते हैं, थोड़ा टड़ा आंसर रहता है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। और इतने बार आया है तो आप भी इसको क्या याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, देखते हैं। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। आपके सामने एक्सप्रेशंस को हमने दोबारा इसलिए लिखा जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, कोई चीज़ दोबारा लिखते हैं या कुछ चीज़ें हम पहले लिख के रखते हैं जिससे कि टाइम भी बचे और थोड़ा सा आपको समझने में समझाने में हमें टाइम ना लगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हमने लिखे हैं, उनको हम पढ़ देते हैं। पहली बात तो ये वाला हमने एक्सपेंशन जो आपने दिया गया है क्वेश्चन में वो हूबहू उतार दिया है। अब इसमें एक शॉर्टकट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट है, कहीं पर भी आए। मैंने बोला कि 12 की जगह 24 तक भी गया है, n तक गया है, सीधे आप क्या करेंगे, आपको x इक्वल टू 1 रखना है, एक बार x इक्वल टू माइनस 1 रखा है। x के स्थान पर देखिए, x के अब यहाँ पर देख लिया गया है तो x के स्थान पर हमने क्या किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हमने एक 1 रख दिया है। अब देखिए 0 के बारे में भी दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ देखिए 1 + 1 - 2, तो यहाँ देखेंगे तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 की पावर 6। इसी 0 को हमने यहाँ लिखा है, इसी 0 को इधर लिख दिया है, केवल इतना ध्यान रखें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब यहाँ -1 रख दिया तो 1 - 1 - 2, एक्स के स्थान पर प्लेस पर -1 रखा गया है, तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लास्ट वाले इवन पावर वाले सारे इसमें जब भी हम -1 रखते हैं तो जहां पर भी ऑड पावर है वो नेगेटिव टर्म हो जाएंगे और जहां पर इवन है वो पॉजिटिव, तो ये सारे हो गए। इसी को देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो -2 की पावर 6 को 2 की पावर 6 कर दिया है, जिससे कि हमें 2 स्टेप आगे ना बढ़ना पड़े। अब देखिए हमें रखना क्या है, सारे इवन वाले जो a2 a4 a6 a12, तो कभी कभी देखो साइड में हम एक चीज और बता देते हैं कि अभी हमसे a2 a4 a6 ऐसे पूछा गया है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है a1 a3 a5, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो कांस्टेंट है अभी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इवन वाले का सम पूछा गया, कभी कभी ऑड वाले का सम पूछता है, तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, बस इतना ध्यान देना है। मतलब एक से एक क्वेश्चन के साथ साथ दो क्वेश्चंस या सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर ये लेना है तो ऑड वाला हटाना है, तो ऑड वाला हटाने के लिए हम लोग क्या करें, सिंपली ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो ये हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। फिर आगे वाला देखो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा a3 और ये -a3, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये ऑड वाले हट जाएंगे और जब ऑड वाला लाना हो तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। अभी हम जोड़ रहे हैं, आगे अगर ये लाना होता तो क्या करते, घटा देते, तो एक नया क्वेश्चन बन जाता, तो वो आप कर लेंगे। तो हम लोग क्या करें, ऐड कर दें, ये 2 हो जाएगा, देखिए ये ऐड करने पर चला गया, ये 2 times a2 हो गया, ये भी चला गया, आगे वाला 2 times क्या हो जाएगा आपको पता ही हो गया होगा a4, और ऐसे जाके लास्ट वाला भी क्या 2 times a12, तो इधर भी जुड़ जाएगा,
तो 0 प्लस 2 की पावर 6, ठीक। तो जैसे जोड़ा है वैसे ही वहां पर अगर ऑड वाले लाने होते तो घटा देते। अब इस 2 को कॉमन ले लें, उधर भेज दें, तो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस ए 2 प्लस ए 4, आंसर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप 2 की पावर 6। देखिए इस 2 को हम ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा, और इस 1 को जब ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इतने तो करना है ना, ठीक। तो देखो क्या हुआ कि 2 की पावर 6 आया, ये पावर अगर होती n तक जाते तो 2 वो भी आता है, यहाँ पावर 6 होती और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर्स a2 a4 a12 मैच कराना, जैसे 2 की पावर 6 बाई 2 माइनस 1। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, उसका आधा 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 32 में से एक गया, 31 आंसर आ गया। बहुत ही इजी और फ्रैंकली आस्किंग बाय गॉड, अगर आप लगाएंगे कहीं पर भी, अगर आप पेपर एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइनोमियल से ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बाइनोमियल से ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, टाइम या समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 2012 में आया है, बाइनोमियल का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो मैं ऐसे बोलता हूँ अक्सर कि इसकी शक्ल देख के इसका आंसर लग रहा है, तो इसकी शक्ल देख के इसका आंसर 0 लग रहा है। खैर एक मजाक का टर्म है, हम लोग सीरियसली इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस को दोबारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान देते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCR और NCN माइनस R, तो इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं N प्लस 1 CR। अभी हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे और याद करने का तरीका देखेंगे। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लें अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी को याद करेंगे तो साइड टफ हो जाए, NC3 8C3 है और 8C4 है। तो देखिए जब भी इस तरीके की प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे सेम होना चाहिए, जैसे कि 12C5 और 12C6, 14C2 और 14C3। तो जो हमारा n है वो सारे में n हमने क्या लिया, बराबर लिया है, और इनमें एक का अंतर है, इनमें एक का अंतर है, इनमें एक का अंतर है। तो आप क्या करिए इसको एक बढ़ा दीजिए, तो 8 से एक बढ़ाएंगे ज़्यादा 9 हो जाएगा, 12 से एक बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा, 14 से एक बढ़ाएंगे 15 हो जाएगा, और इनमें से जो बड़ा हो, मैंने बोला कि इनमें से जो भी बड़ा हो, तो 3 और 4 में 4 बड़ा है तो ये रख देंगे, 5 और 6 में 6 बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है। तो ये बात को रटने से अच्छा है कि आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर हैं, 20 20, तो एक बढ़ा देंगे 21, इनमें से बड़ा कौन है 9, फिर ये 21C10 दोबारा हमने उतार लिया, ध्यान देते रहें, फिर 22C11 माइनस 23C11। अब इसको हम लोग करेंगे तो ऐसे आप बढ़ जाएगा, 22C इनमें से बड़ा 10 हो जाएगा, ठीक। अब आप बार बार उतारने से अच्छा है कि हम इसको इधर ही दिखा दें, आप मेरी थोड़ी हेल्प करें, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो ये फिर बराबर आ गए, इससे आगे जाएगा 23C, इनमें से बड़ा कौन है, तो आप खुद बोलेंगे कि 11 है, तो 11 रख देंगे। अब देखिए आप जान ही रहे कि ये मैच खा गए, आंसर क्या आया 0। बताइए कितना समय लगा। तो बाइनोमियल लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निम्सेट के टर्म में नहीं है, बट क्वेश्चन जब आता है तो विद इन द सेकेंड आपको लग जाता है, तो इसलिए आप इस तरीके की चीज़ों पर, इस तरीके के र्यूमर्स पर ध्यान न दें। बाइनोमियल बहुत छोटा टॉपिक है, आपको तैयार करना है, ये आपके लिए बोनस है। 2014 का ये क्वेश्चन जब भी आता है तो मैं बच्चों की साइकोलॉजी जब चेक करता हूँ तो बच्चे डर जाते हैं, मतलब ऐसे इसमें लैंग्वेज है, आप खुद देखेंगे तो आप पहले पढ़ लें थोड़ा डर जाएं, ठीक। ऐसी लैंग्वेज जब भी आती है तो आप स्किप करते हैं, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रियल में ईजी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और डिस्कस करने वाला हूँ। आप पढ़ चुके होंगे एक्स इज वेरी स्मॉल या सो स्मॉल दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, देन जब भी आप जानते हैं कि पावर में कभी फ्रैक्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली ऐसा फ्रैक्शन वाली पावर्स, तो आप मगर ये पता है जब लिमिट का आप कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी को भी रूट, जैसे कि 1/2 का मतलब रूट चढ़ा हुआ है, 1/5 का मतलब फिफ्थ पावर है, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वैसे तो एनालिसिस कर रहे हैं और रुकते नहीं हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप अलाउ करें 1/2, तो रूट 9 प्लस 2x, अगर ऐसा लिखा हो तो बहुत समस्याएं, मतलब बच्चे को रूट से निकलना बाहर बड़ी समस्या है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए लिमिट में, लिमिट एक्सटेंस टू 0,
और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सपोज एक्स स्क्वायर हो इस टाइप का, एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, 1 माइनस 1, हाँ एक्स स्क्वायर है, 0.0 फॉर्म बन गई। तो रैशनलाइज करना तो एक हमारे पास कॉमन सा वे है, मगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए हम थोड़ा सा समय आपका ले रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो 1/2, अब ये बाइनोमियल अगर आपको पता होगी ना तो आप यहाँ पे अप्लाई कर ले जाएंगे और इजीली आप हैंडल कर ले जाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दें कि कैलकुलस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए बन जाता है। आगे देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमने बोला था इसके रूप में नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूप्स नहीं इंटरनल पार्ट्स से डिवाइड होती हैं, डिसाइड की जाती हैं। तो ऐसा देखें कि हमने आपको प्रयास बस थोड़ा सा ध्यान देना है, टफ नहीं है। या इस वाले स्टेप को हमने ऐसे लिखा है, हमेशा कांस्टेंट जो होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 9 की पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये डिवाइड होके तो ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है मैच कर लिया ये पूरा, इसको अभी कुछ भी पावर नहीं तो ऐसे लिख लिया, और देखो इसको ऊपर ले गए तो पावर माइनस आ गई, इतना आप उस चीज़ को हमने इस फॉर्म में ले आए। 9 का पावर 1/2 दैट इज रूट, 9 का रूट होगा तो कितना आ जाएगा 3। अब हमने यहाँ पे और यहाँ पर बाइनोमियल लगाइए, कैसे लगाएंगे देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स और प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बाद आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 1 प्लस एन मतलब 1/2 और एक्स का मतलब ये, तो इन दोनों चीज़ों को देखो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ दिखाया गया। फिर आगे देखिए 1 n, तो 1/2 n माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर, बट उसने बोला था कि एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर नेगलेक्ट कर दी जाएंगी, मतलब जीरो मान लेंगे, तो हायर पावर का जीरो, उससे आगे वाली पावर भी क्या हो जाएंगी जीरो, तो ये सब हट गई हैं, हमें यहीं तक जाना। तो देखो कितना सिंपल हो गया, ये ऐसे यहाँ पर ये तो ऐसे ही था ही, और इसमें देखेंगे वही चीज़ लगाई, 1 प्लस और n माइनस 1 और माइनस एक्स, हमने बोला कि कभी हमेशा 1 प्लस के रूप में कंसीडर करें, मतलब इसको कैसे कंसीडर करेंगे, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस 1/5। तो वही चीज़ जैसे ये अप्लाई की वैसे की गई, हायर पावर इतना आसान कर दिया कि एक्स स्क्वायर या उससे ऊपर की पावर को क्या कर लेंगे जीरो। अब क्या है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का आंसर मैच खा जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे अभी हमने ब्रेक किया था छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं, दोबारा हमने उसी तरीके से लिखा है। देखिए 2 से 1/2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो दोबारा फिर से ये लिख लिया है। देखिए तो यहाँ पे 3 आ गया था, 1 प्लस एक्स वाई 9 आ गया है, यहाँ पे 3 प्लस 4x है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई 3 होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x/5 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर बढ़ेंगे उसको आप जीरो कर दीजिए, कितना सिंपल है, जहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनता है जीरो कर दीजिए, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई 4x, तो ये वाला टर्म तो हट ही गया, ये बचे, इसका ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 9 आ गया, ये 9x/5 आ गया, ध्यान देते रहें, यहाँ 12x आ गया। अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो x/3 × 3 किया, काटा भी इसलिए नहीं कि आपको दिखा पाएँ, और यहाँ पर अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा और कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इसका ऐसे मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वायर, और जहाँ भी एक्स स्क्वायर है उससे ऊपर बनेंगे तो जीरो मान लेंगे। अब इतना टर्म तो हमारा जीरो हो गया, नेगलेक्ट हो गया, 9 इतना लिखा, 9x/5 लिखा, देखिए 12x हो गया, ये काटेंगे तो एक्स और प्लस 12x 13x हो गया। जैसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 65 प्लस 9 तो 74/5, तो ये ऑप्शन किससे मैच कर गया, बी ऑप्शन ना, बी ऑप्शन हो गया, सिंपल लग रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो पेशेंस बनाए रखें और कॉन्सेप्चुअली धीमे धीमे आगे बढ़ें, आंसर इजिली मिलता है। लास्ट ईयर 2018 का पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, एक एक क्वेश्चंस करना लोग पानी मांग गए थे, वहाँ पर बाइनोमियल लोग कहा करते थे कि बाइनोमियल नहीं आती है, मत पढ़िए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पिछली बार जो जिनको पता होगा एनालिसिस आप करेंगे, 2018 जो पेपर था वहाँ पर क्वेश्चंस करना टफ हो गया था, मैथ्स के तो बहुत टफ हो गया था, तो एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अपीयरेंस रखता है कि अगर आपने कर पाया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को इतना से पढ़ लें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ध्यान देंगे, एनी इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो भी एक्सपेंशन दिया गया उसको दोबारा लिखा है और इसको देखो फॉर्म चेंज किया है, 1 प्लस माइनस 2
और एक्स, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस टू माइनस वन अपॉन टू, देख अभी कोशिश कर आप करिए तो समझ में आ जाएगा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अब जब माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये टू है और ये टू प्लस वन हो जाएगा, तो टू इंटू थ्री बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, तो तीन बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये टू ये जुड़ के दो एक तीन और ये चार हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल थ्री का मतलब है टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, तो ये कट जाएगा तो फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते कि नहीं, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम लोग वन प्लस एक्स की पावर एन। तो अब जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए एन की जगह कितना है माइनस टू, तो एन की जगह कितना जाने वाला है, यहाँ पर जो एन है वो कितना जाने वाला है माइनस टू, और वन प्लस एक्स की जगह क्या एक्स ही है, और होल पावर जो दी गई है ये माइनस एन। तो अब हमारा काम हो गया। इतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको ही देखें पूरा क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे हमने इस फॉर्मूले को, ये एन इंडेक्स का फॉर्मूला है, वन प्लस एक्स की पावर एन को एक्सपेंशन किया और मैच कराया, तो एन से ये मैच कराया एक्स से, देखिए एन से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फॉर्मूला लिखा। अब सीधे क्या लिखने वाले हैं, वन प्लस एक्स की पावर टू एन। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स एन, एक्स की पावर एन पूछा गया होगा, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन आगे देखेंगे जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे, तो जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ा रहे हैं। वन प्लस एक्स की पावर टू एन इतना लेके आए थे हम लोग। अब जनरल टर्म जब इसमें निकालते हैं, जनरल टर्म बाइनोमियल या वेक्टर या क्वाड्रेटिक कोई भी टॉपिक का एनालिसिस अगर हम कर रहे होते हैं, तो अगर कहीं पर भी थोड़ा बेसिक या आपको लगता है कि इसका बेसिक पढ़ना चाहिए तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मावला क्लासेस ने इन सारे टॉपिक्स को बेसिक बेसिक बिल्कुल इजी तरीके से सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप ज़रूर उनको देख लें, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को, एनी इंडेक्स, सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिस्कस किया है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए क्या है, टू एन सी आर और वन की पावर, वन की पावर टू एन माइनस आर एक्स की पावर है, तो इसको लिखेंगे टू एन सी आर एक्स की पावर आर। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन निकालना है, तो एक्स की जगह अगर आर की जगह हम एन रख दें तो ये दिखाएगा कि आर की जगह अगर एन रख दें तो एक्स की पावर एन हो जाएगा, उसके साथ साथ टू एन सी एन हो जाएगा, यही कोफिशियंट बनेगा, इसका मल्टीप्लायर ये। अब टू एन सी एन को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, एन सी आर का फॉर्मूला पता ही होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, कभी कभी मेरा मन नहीं मानता है मगर बहुत डीप में नहीं जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाया गया, ऑप्शंस को मैच कराएंगे तो फैक्टोरियल एन एन स्क्वायर आ जाएगा। टू एन कहाँ पे है, सी ऑप्शन में इसलिए नहीं ले सकते अभी, यहाँ फैक्टोरियल एन लगा है, अगर लगा होता तो, इसलिए हमें लेना पड़ेगा डी ऑप्शन, अभी नहीं लगा है, हो सकता है कि वहाँ लगाओ तो अभी हमने लिया हो, वहाँ से मिस प्रिंट हो, जो भी है, बट आप आंसर अब आपके सामने हम लिख देते हैं क्लियरली, जिससे कि कोई डाउट ना हो, टू एन और फैक्टोरियल एन का स्क्वायर, ये आंसर है। ऑप्शंस जो भी हो वो डजेंट मैटर, क्योंकि आंसर आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में मुझे लगता है सेकेंड बार भी नहीं लगेंगे क्योंकि वो रिपीट हुआ है जो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो 2017 का, इसलिए 2017 से पहले 18 ले लिया, अब 17 का लेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा पाँचवा। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत की थी तो मैं इसलिए थोड़ा सा मुस्करा रहा था कि क्वेश्चन बहुत बार आता है, सोचिए निम्न सेट में थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में और थोड़ा सा रूप चेंज किया, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। देखिए आप पूरा क्वेश्चन तो हम करने वाले नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं कि कैसे आंसर आप मैच कर सकते हैं। जब भी हमने बताया कि इवन टर्म जब भी आएगा, इवन टर्म्स को जोड़ना होगा कौन कोफिशियंट को, तो यहाँ पे एक बार वन रखेंगे और एक बार माइनस वन रखेंगे, तो एक बार प्लस प्लस, तो वन रख के देखिए यहाँ वन माइनस वन प्लस वन का की पावर एन, तो ये वन आ जाएगा, और माइनस वन रखेंगे तो वन प्लस वन प्लस वन की पावर एन, तो थ्री की पावर एन आ जाएगा। तो देखिए अब ये देखिए कि माइनस वन रखने पर या माइनस हो जाएगा और प्लस रखने प्लस होगा, तो हमें इवन निकालने जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आएगा थ्री की पावर एन प्लस वन बाई टू, कहाँ पर है जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आ गया। एक बार पूरा नहीं गया है, पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो दोबारा उसी तरीके से लगाएंगे, तो मेरा टाइम कहाँ बचा, टाइम कहाँ बच रहा है कि हमने वन रखा वन आ गया, माइनस वन रखा कि थ्री की पावर एन आया, अब इवन वाले निकालने हैं तो जोड़ने पर आएगा तो प्लस आ जाएगा, अगर ऑड वाले निकालने होते तो माइनस आ जाता। ऑप्शंस को ए ऑप्शंस टिक कर दिया गया है। बाइनोमियल के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामने लाए, वीडियो में एक टाइम का लिमिटेशन भी होता है तो इसे टाइम को ध्यान रखते हुए पांच क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे आपके सामने डिस्कस किए। बारी बारी से हम लोग टॉपिक वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं, आपको फीडबैक देना है कि क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि हम लोग शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं, या जहाँ पर भी फीडबैक हो जो भी आपको लगता है, या कंटिन्यू रखें जिस तरीके से आप, बिल्कुल फ्री हैं मगर फीडबैक जरूर दें,
क्योंकि हम लोग अभी से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर आप अपना जोश बरकरार रखें तो लास्ट रखेंगे एक एक क्वेश्चन, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नेम सेट, JNU, BHU सबके एक अच्छे वे में और शॉर्टकट, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और शॉर्टकट लाते रहेंगे। बहुत ऐसा नहीं कि फाइनल है। जब भी आपने हमारे वीडियो देखे होंगे वो वाले जो रूटीन वाले हैं, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस का ट्रिक कभी नहीं बताया, अभी जो बता रहे हैं। बट वो हंगामा करना अच्छा नहीं है। अभी आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा तो इसमें और विद इन द सेकेंड क्वेश्चन लगेंगे। तो फीडबैक जरूर दें, जरूर बताएं और बूस्टअप करते रहें, अपने आप को भी, हमें भी और मामला क्लासेस के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आपने पहले वीडियो में वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे आएंगे, जो हमने बनाया है, प्लानिंग बनाई कि मतलब कर क्या रहे हैं कि अभी एक टॉपिक को पूरा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, टॉपिक सफल कर रहे हैं। तो ये कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। आज पूरे सारे क्वेश्चंस लिए थे शुरुआत से लास्ट तक, क्योंकि क्वेश्चन कम थे। क्वाड्रेटिक में हमने क्वेश्चंस शुरुआत के ले पाए हैं, वेक्टर के शुरुआत के ले पाए हैं, दोबारा फिर से वेक्टर पे आएंगे, बड़े एक दो टॉपिक और लेंगे, तो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।